व्यस्तता के ताले को लॉकडाउन की चाबी ने कुछ इस तरह से खोला कि हम सबके पास समय ही समय था, ढेर सारा समय। इस लॉकडाउन ने हमें आत्मनिर्भर होकर जीना सिखाया। देश ने बहुत से काम पहली बार किए और सफल भी हुआ। हमने भी इस लॉकडाउन में बहुत से काम पहली बार किए। जी हाँ, पहली बार। इस लॉकडाउन में मैंने पहली बार अपने घर की बाथरूम्स को साफ किया, अच्छे से साफ किया, और आज भी कर रहा हूँ। और ये करते करते रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग हमें मदद करते हैं उनकी महत्ता का भी ख्याल है। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि काश मैंने अपनी माँ से सीख लिया होता कि आटा कैसे गूंदा जाता है। एक हफ्ते तक मैंने कोशिश की, फाइनली आटा भी गूंदना आ गया, रोटी भी बनाना हो गया, खाना भी बनाना आ गया। पहली बार ये महसूस हुआ, क्योंकि मैं मुंबई में बिल्कुल अकेला हूँ और मेरी फैमिली जयपुर में है, तो पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि रोज़ मैं अपना, अपनी बेटी का और अपनी वाइफ का चेहरा देखूँ, तो मैं उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात करता हूँ। अब तक ये महसूस नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार रोज़ मैं उनसे बातें करता हूँ। इस लॉकडाउन की वजह से मैं पहली बार अपने आप के साथ वक्त बिता पाया, अपने आप को समझ पाया, एक अजीब सा अंतर ध्यान सा कर पाया। ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, इनसे बड़ी आसानी से दूर रहा जा सकता है, मिनिमलिस्टिक बना जा सकता है। ये पहली बार COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से मैं एहसास कर पाया। पहली बार मैं अपनी किताबें खोलकर उन्हें पढ़ रहा हूँ, पहली बार मैं अपने घर में खाना बना रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, पहली बार मैं अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इतनी शिद्दत से अपने लिए एक इनर इंजीनियरिंग की है। वर्ल्डली लेवल पे बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई हैं, बहुत सारी न्यू तरीके के खाने बनाए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं विच वर सक्सेसफुल। मैंने पहली बार क्या फेस किया पता है, रिश्तों की अहमियत। जहाँ आज मेट्स नहीं हैं, घर का सारा काम हमें खुद ही करना पड़ रहा है, तब अगर फैमिली मेम्बर्स हमारा हाथ बटाते हैं तो सच में अच्छा लगता है, लगता है कि कोई है हमारे केयर करने वाला। और जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता काम कब फिनिश हो जाता है। पहली बार मुझे मतलब नेचर की वैल्यू पता चला। मैं नेचर को अब तक ग्रांटेड लेता रहा, मैं पहली बार आई कुड कनेक्ट विद द नेचर, मतलब इतना कनेक्ट हो गया कि मेरे घर में गिलहरी और स्पैरो और क्रो आने लगे। इनफैक्ट क्रो मतलब मैं चोंच में खिलाने लगा हूँ उसको, और आज मैं तामसिक भोजन छोड़ करके सात्विक भोजन कर रहा हूँ, स्वस्थ और सशक्त। मुझे एक फोबिया है लिजार्ड्स का, मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ। फाइनली पहली बार मैंने अपने डर पे जीत पाई। पहली बार जो मैंने स्लॉटर में किया वो है डायरेक्शन, वो करके मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि जो मैं कहना चाहता था उसको मैं अपने तरीके से कह पाया। जिंदगी में जीने की तमन्ना थी, इस लॉकडाउन में पहली बार जी कर देखा हमने।